हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए, इस सेक्शन में हम बात करेंगे दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक्स की, जो कि केमिकल सेक्शन में आता है, फर्टिलाइजर सेक्शन में आता है, कि इनके टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, वीकली और मंथली बेसिस पे कैसा स्टॉक्स है, क्या टारगेट हो सकता है, क्या हमें इसमें पोजीशन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मोटो है आपको सिखाना। तो चलिए पहले तो ये जान लेते हैं कि न्यूज़ क्या कहता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर। तो देखिए, ये आज का ही आर्टिकल है, 1 जनवरी का ही आर्टिकल है फर्टिलाइजर के ऊपर, जहाँ पे इसकी हेडिंग अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट अपडेट, फर्टिलाइजर स्टॉक्स अप एज मार्केट फॉल्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं वो देखना है। अब देखो यहाँ, सो बोरा इंडस्ट्रीज है, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स है और कोरोमंडल है, एंड दीपक फर्टिलाइजर्स कितना अप रहा 0.53% और कृष्णा पोसियम 0.118% एस्टूड रहा। सो केमिकलिस्ट ऑफ फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो बढ़ा, क्यों बढ़ा? अब देखते हैं, दूसरा न्यूज़ देखते हैं। अब यहाँ देखो गवर्नमेंट का क्या कहना है। सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ 10-11 सेक्टर फ्रॉम 160 बिलियन टू 500 बिलियन बाय 2030 तक ये बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आएंगे वो देखना है हमें, कौन कौन से सेक्टर आएंगे। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है, आप यहाँ देखोगे तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर इंक्रीज एक्सपोर्ट टू 500 बिलियन। इसमें स्टॉक कौन कौन से हैं, स्टॉक्स हैं आपके ऑटोमोबाइल के, फार्मा के, टेक्सटाइल के, मेडिकल डिवाइसेस के और केमिकल के। तो हमारा जो दीपक फर्टिलाइजर है वो केमिकल में आता है, ये आर्टिकल्स आप जाके पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो अब हमें तो पता चल गया कि ठीक है, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ है केमिकल सेक्टर में। तो देखते हैं केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स जो दीपक फर्टिलाइजर वो कैसा काम कर रहा है, वो है क्या। तो दीपक फर्टिलाइजर के बारे में जाओ और यहाँ स्क्रीनर पर जाओ आप और यहाँ टाइप करो दीपक फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर यहाँ आ गया, आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पहले इसके बारे में, इसके काम के बारे में पढ़ो कि ये करता क्या है, कंपनी करती क्या है। तो ये दीपक फर्टिलाइजर कंपनी का जो कॉर्पोरेटेड था 1979 में, दीपक फर्टिलाइजर, ठीक है, ये इनका बिजनेस ओवरव्यू है। कहाँ कहाँ काम करती है, केमिकल्स में है, टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइड बनाते हैं, क्रॉप के लिए न्यूट्रिशन बनाते हैं, और उसके बाद ये इनका काम है, ये तीन बेसिकली क्रॉप न्यूट्रिशन और क्रिएटिसिटी इज अ पुणे क्रिएटिव लिविंग कैंपस इन इंडिया फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन इन द होम इंटीरियर एंड द फूड बेवरेजेस इन डिफरेंट एंटरटेनमेंट्स। तो इसमें भी हैं, इस इंडस्ट्रीज में भी हैं। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कहाँ कहाँ है। अभी केमिकल इतना मैट्रिक टन बनाते हैं पर एनम, TAN इतना बनाते हैं, और जो क्रॉप न्यूट्रिशन है अभी इतना बनाते हैं MTA, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट इन फिस्कल ईयर 2022 कंपनी ने 3 स्पेसिफिक ग्रेड यहाँ लॉन्च किए। तो ये सारी चीज़ें हैं इनका, और इनका सबसे पहले देखो रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है कि कहाँ कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। तो इनका हम सेगमेंटेड रेवेन्यू देखें तो केमिकल से ये अर्न करते हैं 59%, फर्टिलाइजर से अर्न करते हैं 40%, और विंडमिल और रियल्टी से अर्न करते हैं 1%। तो इनका है, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। चलो कैपेक्स पढ़ते हैं, कैपेक्स क्या है 2023 के लिए, ये क्या करने वाले हैं आने वाले अगले साल, ये कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं कैपेक्स। तो आप देखो इनका कैपेक्स कितना बढ़िया है, अमोनिया की कैपेसिटी इनके पास इतना था, 128,000 मैट्रिक टन पर एनम का इनकी कैपेसिटी था। अब ये बढ़ा के करने वाले हैं 6,28,700 मैट्रिक टन पर एनम। अब इसके लिए इन्होंने प्लान किया इन्वेस्टमेंट कितना, 4,350 करोड़ का, एक पॉजिटिव न्यूज़ है 2023 के लिए। सेम इज टैन के लिए इन्होंने क्या किया, 4,86,900 इनका प्रोडक्शन है पर एनम का, अभी इसको डबल करने वाले हैं ऑलमोस्ट 8,62,000, और इसके लिए 2200 करोड़ खर्च करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब चलिए कंपनी के बारे में पता चल गया कि कंपनी करती क्या है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, मार्केट कैप क्या है। कंपनी का मार्केट कैप 8,683 है, डेट क्या है कंपनी का 0.79, यानी एक से नीचे है तो कंपनी ठीक है, एक से नीचे है दैट इज ओके। एंड अगर हम यहाँ पे देखें 4,000 का ऑलरेडी डेट है, यानी 8,683 कंपनी है, 4,000
77 करोड़ का डेट है, एक से नीचे है, तो चलिए ठीक है इसको हम कंसिडर कर देते हैं। इनका देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 27% पर ईयर अभी दिए हैं, लास्ट ईयर इन्होंने 27% का रिटर्न भी दिया है। प्रमोटर होल्डिंग के बाद 45.5% है। प्लेज इन्होंने किया है, गिरवी रखा है स्टॉक्स इन्होंने कितना 14.5% का, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका हुआ है अभी इस क्वार्टर 674 करोड़ का। अब इनके अब इस हिसाब से डेट ठीक है, ओके है, स्मॉल कैप की कंपनी है, प्रॉफिट ऑन रिटर्न अच्छा है, 20% सब है, 20% से ऊपर है, और ये हाई लगा चुके हैं 722, लो लगा चुके हैं 512, अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है 688 रुपये, तो बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है लेकिन ठीक है, ऑलमोस्ट ओके है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इनका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो प्रोज आप देखो, कंपनी हैज डिलीवर द गुड प्रॉफिट 49.CAGR ओवर लास्ट पाँच साल में इन्होंने 49.7 CAGR से ग्रोथ किया है, प्रॉफिट गुड, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज लास्ट 3 ईयर से डिक्रीज हुआ है कितना 6.74% का डिक्रीज हुआ है प्रमोटर होल्डिंग में, तो ये एक दो कॉन्स हैं। अब हम इनका देखते हैं कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है साल का। तो अगर आप जाओगे तो 2020 में 4,600 करोड़ का बिजनेस, मार्च 21 में बढ़ा, मार्च 22 में बढ़ा, मार्च 23 में बढ़ा, और अभी चल रहा है, मार्च अभी बाकी है। इन्होंने इसमें प्रॉफिट कितना किया, मार्च 2020 में 89 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें कोविड था, उसके बाद सीधा जंप किया 406 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद जंप किया 687 करोड़ का, उसका 1200 करोड़ का, और अभी मार्च आने वाला है, तो यानी प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है, ठीक है, ओके गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल में इतना ऑन एन एवरेज उन्होंने 14% का रिटर्न दिया है, अच्छा है, 5 साल में 17% का, 3 साल में 22% और लास्ट ईयर उन्होंने 27% का रिटर्न दिया, यानी 100,000 रुपये आपने लगाया होता तो 1 साल में 127,000 रुपया हुआ होता। सेल्स ग्रोथ भी इनका 10 साल में 16% से बढ़ रहा है, 3 साल में 34% के हिसाब से बढ़ रहा है, और यहाँ पे 10 साल में कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 26%, 5 साल में 50% और 3 साल में 233% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। सो ठीक है, स्टॉक्स अच्छा है दीपक फर्टिलाइजर, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो अच्छा कह रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इनके जो पीयर्स हैं उनमें FFI का क्या रोल है, कितना उन्होंने होल्ड किया हुआ है और उन्होंने पोजीशन बढ़ाया है घटाया है। तो FFI का देख लो, यहाँ दीपक फर्टिलाइजर है, टाटा केमिकल भी है, दीपक नाइट्राइट भी, ये सारे केमिकल के स्टॉक्स हैं। तो इसमें देखो 12.97% का इनका स्टेक है FFI का, और पिछले 3 साल में इन्होंने बढ़ाया ही है 10.4%। DII का कितना है 2.83%, पिछले 3 साल में इन्होंने भी बढ़ाया है, किसी ने घटाया नहीं है, 1.11% बढ़ाया है। टाटा केमिकल में देखो 14% है, और SRF में देखेंगे तो यहाँ पे 19.80 का है और इन्होंने बढ़ाया है 0.2, DII का होल्डिंग है 14.12 और अपने ऑल टाइम हाई से ये 4.7% नीचे चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग इसका 45.46 है, तो ठीक है। DII का होल्डिंग सबसे ज़्यादा किस में है, SRF में दिख रहा है सबसे ज़्यादा, जिसका करेंट मार्केट प्राइस 2467 चल रहा है, दूसरा टाटा केमिकल में दिख रहा है और तीसरा दीपक फर्टिलाइजर में दिख रहा है। तो कुछ तो बात है कि यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर में दिख रहा है, तो हमने एक फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है, उसके हिसाब से ठीक लग रहा है, चलो DII का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब हम देखते हैं टेक्निकली कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। सो टेक्निकली पहले हम दीपक फर्टिलाइजर का ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। सो ये हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में, और देखो ये हमने यहाँ लगाया है मंथली कैंडल, आप यहाँ देखोगे तो ये एक मंथ का कैंडल हमने यहाँ लगाया है, ये मंथली कैंडल है, और ये एक एक कैंडल एक एक मंथ शो करता है, वन मंथ। तो पिछले 100 महीनों का क्या ट्रेंड है वो हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 100 महीने का ट्रेंड देखो, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, यानी अप ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ रेजिस्टेंस पे आया, सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे आया, फिर एक सपोर्ट आया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे जाने के लिए तैयार है। तो मंथली अप ट्रेंड में है, हम कह सकते हैं मंथली जो हमारा दीपक फर्टिलाइजर जो ये स्टॉक है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यानी ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मंथली व्यू है हमारा, तो अब ट्रेंड चल रहा है। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, लगभग अगर हम यहाँ देखें तो 937 के करीब में, और यहाँ पे अपना पिछला पुराना हाई 1060 के पास है, जा सकता है। अब हम सेम चीज़ इसको वीकली अगर टेस्ट करें तो वीकली आप देखो पिछले 100 वीक का ये ट्रेंड बता रहा है, पिछले 100 वीक का ट्रेंड स्लाइटली
डाउन स्लाइटली डाउन है, अप मतलब इस तरीके से अप होता और ये स्लाइटली डाउन है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि पिछले 100 वीक का रेजिस्टेंस है, तो इसको भी इसने रेस्पेक्ट किया हुआ है। सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ मार्केट, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करा, हो सकता है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जाए और ऊपर से थोड़ा सा कंसोलिडेट करे फिर मार्केट, फिर इस तरीके से ट्रेंड अपना पकड़े। तो ये कहते हैं ट्रेंड। तो उस हिसाब से फिर ये हमारा जो 100 वीक का ट्रेंड है वो यहाँ पे हमारा इस तरीके से चेंज होगा। तो अब यहाँ देखिए, तो हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, ये 100 वीक का लगभग 853-850 रुपये पे एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा है, अभी चल रहा है 688 के करीब में, 688 के करीब में चल रहा है। तो ट्रेंड हम यहाँ पे देख लिए, अब हम अपनी स्ट्रैटेजी चेक करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है। स्ट्रैटेजी के लिए हम चले जाएंगे अपने एंजल के डीमैट अकाउंट में और यहाँ पे हम लगा लेंगे दीपक फर्टिलाइजर, टाइम फ्रेम मंथली, ये आ गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो हमारा 50 कहाँ क्रॉस हुआ था, लगभग यहाँ के करीब में हमारा 50 क्रॉस हुआ था, स्टॉक के शेयर RSI यहाँ था और 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, और यहाँ से स्टॉक्स बढ़ना शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ नहीं पकड़ पाए, तो यहाँ पे अगर पकड़ते तो क्या प्राइस होता, यहाँ हम पकड़ते हैं तो प्राइस होता 614 रुपये। ठीक है, हम यहाँ नहीं पकड़ पाए, क्या हम यहाँ पकड़ सकते हैं, अभी पकड़ सकते हैं, तो अभी देख लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या कहता है मंथली। तो ये मंथली टाइम फ्रेम है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, पहला कंडीशन मैच हो गया। दूसरा 20 से 80 की तरफ जाता हुआ स्टॉक इसी कराई, दूसरा कंडीशन भी यहाँ हो गया मैच। और तीसरा 50 से ऊपर हमारा RSI, तो तीसरा कंडीशन भी हमारा हो गया मैच। तो देखो जिस हिसाब से न्यूज़ है पॉजिटिव, उस हिसाब से मंथली कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंथ से पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, यानी इसमें पोजिशन बन रहे हैं। तो हमारा व्यू क्या होगा, हमारा भी व्यू भी इसमें पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या ये मैच हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज, 20 वीक का मूविंग एवरेज जस्ट ऊपर गया हुआ है इस वीक, 50 नीचे, पहला कंडीशन हुआ है मैच। दूसरा स्टॉकिस्टिक RSI 80 से ऊपर है, तो दूसरा कंडीशन नहीं मैच हो रहा है, तो क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है, कि हम इसमें रिस्क ले सकते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है। और तीसरा RSI 50 से ऊपर है, 64 है, तो अभी 40% का और मोमेंटम यहाँ बाकी है, तो हम तीसरा कंडीशन भी हम यहाँ पे मैच देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है। और आपको पता है यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने भी बोल दिया है कि हाँ अब इसमें पॉजिटिवनेस आ रहा है, हो सकता है 784 से एक रिटेस्ट हो, फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर मूव करे। तो एक रिटेस्ट तो होना पक्का है, कब होगा, 784 के करीब में हमको लगता है, या फिर 840 के करीब में एक रिटेस्ट होगा। अब ये वर्थ रिस्क टेकिंग है ये वाला, तो हमने यहाँ पे देख लिया है मंथली। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 100% यहाँ हमारा तीनों स्ट्रैटेजी मैच हो रहा है जो हमने पहले किया। तो ये 100% वर्थ टेकिंग है, रिस्क वर्थ टेकिंग है, लेकिन इसमें आपको लगा के स्टॉक्स भूलना पड़ेगा लगभग 6 मंथ के ऊपर, तब जाके आपको इस हिसाब से प्रॉफिट आएगा 1047 रुपये के करीब में। अब हम एक अच्छा बहुत एक अच्छा एनालिसिस भी करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ मार्केट में मंथली व्यू पे यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस आई थी, मार्केट यहाँ तक गया और एक छोटा सा रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद फिर एक अच्छा मोमेंट आया, फिर एक रिटेस्ट हुआ और अभी एक अच्छा मोमेंट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं टिल 1200 के करीब में, जो मंथली है हम 1200 तक के मोमेंट को यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। हो सकता है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ में आए, तो हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है वो हमारा हमको देखना जरूरी है। तो आप कैलकुलेट करो, जब अगर हम मेजर करेंगे तो ये हमारा 50 RSI क्रॉस हुआ था, अब 50 RSI क्रॉस होने के बाद कितना हमें रिटर्न मिला है जब ये 80 से नीचे आया है, यहाँ हम देखेंगे लगभग यहाँ पे अगर हम देखें 50 जब भी क्रॉस किया है 707% का रिटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक का हमें रिटर्न, ये रहा हमारा 50 का क्रॉस, 50 को क्रॉस किया और हमें यहां तक 700% का रिटर्न दिख रहा है। अब सेम सिनेरियो यहां है, 50 को क्रॉस किया हुआ है, अब हम जो हमने इसको यहां से ड्रॉ किया
फ्रॉम दिस पॉइंट 50 टू हियर, अगर हम इसको मूव करें, सो लगभग हम यहां तक मूव करें 50, यहां देखो 50 यहां क्रॉस हुआ हमारा, तो हम यहां से अगर एक ड्रॉ करते हैं, मेजर करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में आप कर सकते हैं, मेजर करते हैं 608% का रिटर्न, और सेम सिचुएशन यहां बना है, ये 50 को क्रॉस किया है, और इसको हम उठा के यहां डालते हैं, ये यहां 50 क्रॉस हुआ, तो वी विल पुट इट हियर, ये हमारा 50 क्रॉस हुआ, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या आता है, अगर हम चाहें 27 मंथ्स में, तो लगभग 171% का रिटर्न हम यहाँ से और निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा ये टारगेट हो जाएगा लगभग 1463 के करीब में, अगर ये दोबारा रिपीट होता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, अब ये देखेंगे आप, तो ये ट्रेंड है पिछले 100 महीनों का, ये मंथली का ट्रेंड है, तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमारी मैच हो रही है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉकिस्टिक RSI 20 से ऊपर, RSI 50 को क्रॉस करता हुआ, तो हमारा ये एक 1000 के करीब में हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें डे के व्यू पे पोजीशन बनाएंगे, तो डे के व्यू में आप देखो, तो डे में भी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी मैच हो रही है, तो हम चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और हम रुक सकते हैं 1000 लगभग 50% रिटर्न के लिए, हम इसमें इंतज़ार कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो मंथली व्यू रख के चलिए, और स्टॉक्स बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, फिर आपको बताएंगे दूसरे स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे हम वहाँ पे भी एनालिसिस करेंगे इसी तरीके से। तो चलिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विथ सैटर्न कैपिटल।